इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 10th अध्याय 7 राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा भाग 2, जिसमें हम राष्ट्रीय राजमार्ग के बारे में पढ़ रहे थे। तो राष्ट्रीय राजमार्ग खत्म हो गया है, अब है राज्य राजमार्ग, मतलब जो स्टेट हमारा है ना, स्टेट हाईवे, दो स्टेट को जोड़ने वाला हाईवे, उसको राज्य राजमार्ग बोलते हैं। ठीक है, चलिए जानते हैं इसके बारे में। तो राज्यों की राजधानी को जिला मुख्यालय से जोड़ने वाली सड़कें राज्य मार्ग कहलाती है, मतलब राज्य से उस राज्य के हर जिले को जोड़ने वाले रास्ते को राजमार्ग कहते हैं, स्टेट हाईवे कहते हैं। राज्य तथा केंद्र शासित क्षेत्र, राज्य भी हो गया, कहीं कहीं पर केंद्र शासित क्षेत्र भी है तो उनको, उस राज्य को केंद्र शासित क्षेत्र बोलते हैं। इनकी व्यवस्था तथा निर्माण का दायित्व राज्य के सार्वजनिक निर्माण विभाग PWD का होता है और PWD ही सब चीज करती धरती है। अब आता है जिला मार्ग। ये सड़कें जिला के विभिन्न प्रशासनिक केंद्रों को जिला मुख्यालय से जोड़ती है। इन सड़कों की व्यवस्था का दायित्व जिला परिषद का होता है। उत्तरदायित्व किसका होता है? जिला परिषद का। जो जिला मार्ग है, जो हर क्षेत्र को जिला से जोड़ता है, उसको बोलते हैं जिला मार्ग। क्या बोलते हैं? जिला मार्ग। ठीक है, फिर से बता दूं, ये सड़कें जिले के विभिन्न प्रशासनिक केंद्रों को, जितने भी पुलिस वाले हेडक्वार्टर हैं, चाहे जो भी सरकारी संस्था हो, उसको जिला मुख्यालय से जोड़ती है। इन सड़कों की व्यवस्था का उत्तरदायित्व जिला परिषद का होता है, याद रहेगा। वेरी गुड। ये आप चित्र देख सकते हैं, इस चित्र में दिखाया गया है श्रीनगर से चल के ये रोड आया है कहां पे, कन्याकुमारी के पास सीधा आया ना, और एक गलियारा जो बना है इधर से देखो, पोरबंदर से लेकर सीधा आपको असम चला गया है। ये दो गलियारा है, बाकी राजमार्ग है। इसमें से शेर शाह सूरी राजमार्ग कौन सा है, जो हरियाणा को जोड़ता है। तो हरियाणा आपको दिल्ली के इस साइड में पड़ता है, तो शायद ये वाला जो इलाका है यही शेर शाह सूरी और राष्ट्रीय राजमार्ग 1 है। यहाँ पर जो भी स्टेट को जोड़ता है उसको राष्ट्रीय राजमार्ग बोलते हैं। ये दो गलियारा है जो पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण जोड़ता है। देखो ये सब रोड का जाल है, ये जाल करीबन, ये रोड 6 लाइन 4 लाइन 6 लाइन 4 लाइन 8 लाइन ऐसा रोड है, ये उससे कम तो है नहीं, एकदम मजेदार रोड है। एक बार जाने के बाद मन करता है कि आहा क्या बात है, ऐसा रोड तो मैंने देखा ही नहीं। देखो पीला वाला जो रोड है ये स्वर्ण चतुर्भुज, देखो घूम गया है ना, दिल्ली से चला, फिर आपको गुजरात आया, गुजरात से मुंबई होते हुए कर्नाटक होते हुए केरल में इंटर किया, नहीं कर्नाटक से डायरेक्ट तमिलनाडु में कर रहा है, तमिलनाडु से आंध्र प्रदेश होते हुए ओडिशा आकर बंगाल गया, कोलकाता गया, और कोलकाता से फिर झारखंड बिहार उत्तर प्रदेश होते हुए ये फिर से दिल्ली चला जा रहा है। तो ये इस रोड का फायदा है, कितना अच्छा रोड दिखता होगा। और ये लाल और ये वाला पट्टी जो है उत्तर दक्षिण गलियारा, जो ऊपर से नीचे आ रहा है, ऊपर से नीचे आ रहा है और पूरा पश्चिम गलियारा लाल वाला, जो पूरब से लेकर इधर तक गया है, पूरब से पश्चिम तक गया है। ठीक है, ये लाल वाला दिख रहा है ना यहाँ पे, मैं देखो ये वाला, ये उत्तर से दक्षिण और दक्षिण से उत्तर जाने का रास्ता है। ठीक है, और ये पूरब से पश्चिम और पश्चिम से पूरब जाने का रास्ता है। और आता है ये राष्ट्रीय राजमार्ग, और जितना भी ये वाला खंडा है, ये वाला, ये राष्ट्रीय राजमार्ग है। कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग? तो ये कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग पड़ता है ये आपको बताना है, और पूरे देश में कितने राष्ट्रीय राजमार्ग हैं इसको आपको बताना है। तो देखो इसमें भी 2-3 लाइनिंग दिख रहा है ना, तो ये सब राष्ट्रीय राजमार्ग है। तो राष्ट्रीय राजमार्ग 5 तक ले है, तो देखो कहाँ कहाँ, 1, 4, 5 ऐसे ही करके यहाँ पे लिखा गया 4। तो 1 किधर है, तो 1 जिधर है उसी को बोलते हैं शेर शाह सूरी राजमार्ग, क्योंकि ये बुक में भी दिया है आपने, जो हम ऊपर पढ़ चुके हैं। चलिए तब नीचे शुरू करते हैं।
अन्य सड़कें दूसरे सड़कों के बारे में। तो इस वर्ग के अंतर्गत वे सड़कें आती हैं जो ग्रामीण क्षेत्रों तथा गांवों को शहर से जोड़ती है, ग्रामीण क्षेत्रों को शहर से जोड़ती है। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क परियोजना, प्रधानमंत्री द्वारा गांवों में सड़क बनाया जाता है, उसके तहत इन सड़कों के विकास को विशेष प्रोत्साहन मिलता है। इस परियोजना के कुछ विशेष प्रावधान है, अलग अलग इनका कानून है, जिसमें देश के प्रत्येक गांव को प्रमुख शहरों से पक्की सड़कों व सड़कें जिन पर वर्ष भर वाहन चल सके द्वारा जोड़ना प्रस्तावित है। तो प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना का मतलब यही होता है कि आप गांव के हर शहर को ऐसा जोड़ दो कि शहर मुख्यालय तक आराम से पहुंच सके, शहर तक वो गांव आसानी से जुड़ जाए और वर्षों तक उस पर भारी वाहन चल सके। तो आज गांव में जितने भी रोड बनते हैं, इतना मजबूत बनता है कि इस पर ट्रक भी चला जाता है तो कुछ नहीं होता है, चाहे 10 चक्का ट्रक जाए, 18 चक्का जाए, चाहे आपको 6 चक्का ट्रक जाए। अब सीमांत सड़कें, उपरोक्त सड़कों के अतिरिक्त भारत सरकार प्राधिकरण के अधीन सीमा सड़क संगठन है। सीमांत सड़कें का मतलब हो जाता है कि जो सीमा से लगने वाला सड़क होता है, उसका जो देश के सीमांत क्षेत्रों में सड़कों का निर्माण और उनकी देखरेख करता है। यह संगठन 1960 में बनाया गया, जिसका कार्य उत्तर और उत्तरी पूर्वी क्षेत्रों में सामरिक महत्व की सड़कों का विकास करना था। कहाँ पे? उत्तर और पूरब में सामरिक सड़क जिस पर सेना का हर बटालियन चल सके, चाहे कोई भी सेना हो उस पर चल सके आसानी से, इसलिए उसको बनवाया गया था सीमांत सड़कें। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1960 में, याद रहेगा। इन सड़कों के विकास से दुर्गम क्षेत्रों में अभिगम्यता बढ़ी, मतलब जो दुर्गम सड़क है, रोड है, जहां पर चाहे पहाड़ी है, जहां पर लोग जा नहीं सकते थे आसानी से, वहां पर आने जाने के लिए, उस सफर को आरामदायक बनाने के लिए हमने क्या किया, उस पर सड़क बनाए, रोड बनाए, जिससे आसानी से कोई जा सकता है और आ सकता है, तथा ये इन क्षेत्रों के आर्थिक विकास में भी सहायक है। और जहां ये सड़क बनता है वहां के आर्थिक विकास के लिए भी ये सड़क बहुत लाभदायक होता है। हाँ, भले स्मगलिंग का काम उधर चले तो अलग बात है, लेकिन आप एक फायदे के माध्यम से लोगे तो पहाड़ी इलाका का रोड सबसे अच्छा है, क्योंकि पहले पहाड़ी इलाका में एक गांव से दूसरे गांव में जाने में सोचना पड़ता था, लेकिन ये पहाड़ काट कर रोड बना देने की वजह से सोचना ही नहीं पड़ता, आसानी से सब चीज हो जाता है, टेंशन ही नहीं है। ये सड़क आप देख सकते हो, नीचे से ऊपर 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 पूरा ऊपर गया है पहाड़ के ऊपर। ये कौन सा है? पहाड़ी रास्ते। और ये पहाड़ी रास्ता कहाँ है? हिंदुस्तान में है, लेकिन कहाँ है ये मुझे नहीं पता, लेकिन जिस दिन पता चलेगा मैं पहले घूमने जाऊंगा, फिर आपको वहां से बताऊंगा ये सड़क कैसा है। सड़क निर्माण में प्रयुक्त पदार्थ के आधार पर भी सड़कों को कच्ची और पक्की सड़कों में वर्गीकृत किया जाता है। सड़क कच्ची और पक्की दो तरीके की होती है। पक्की सड़क जो ढाल कर बनाए जाए, नहीं तो उसको अलकतरे से बनाया जाए, और कच्ची सड़क जो मिट्टी का रोड़ा का हो। पक्की सड़कें सीमेंट, कंक्रीट और तारकोल, जिसको अलकतरा बोलते हैं, तो तारकोल द्वारा निर्मित होती है। अतः ये 12 मासी सड़कें हैं। 12 मासी मतलब 12 महीने ये चलते रहता है, बंद नहीं रहता है कुछ भी। कच्ची सड़कें वर्षा ऋतु में अनुपयोगी हो जाती है, और जो कच्ची सड़क होती है पानी जब बरसता है तो उसमें आप उस पर जा नहीं सकते, गाड़ी फंस जाती है। तो ये गलियारा आपको दिख रहा है, ये गलियारा उत्तरी पूर्वी सीमा सड़क पर यातायात, अरुणाचल प्रदेश, ये लोग अरुणाचल प्रदेश वाले रोड पे जा रहे हैं, तो इसमें से अधिकतर लोग टूरिस्ट लोग होते हैं। ये जो गाड़ी है पुलिस की गाड़ी है, बाकी टूरिस्ट की गाड़ी है, और इससे फौज का भी गाड़ी जाता है, जिसको सबसे ज्यादा खतरा होता है, किसको? फौज के गाड़ियों को। अब आता है रेल परिवहन। भारत में रेल परिवहन वस्तुओं तथा यात्रियों के परिवहन का प्रमुख साधन है। रेल परिवहन अनेक कार्यों में सहायक है, जैसे व्यापार, भ्रमण, तीर्थ
तीर्थ यात्रा और लंबी दूरी तक सामना का परिवहन इत्यादि। एक ट्रेन के इस्तेमाल के बारे में मैं बता दूं तो व्यापार के लिए मालगाड़ी और घूमने के लिए भ्रामक ट्रेन जो यात्री लेकर जा सकती है, और बहुत जगह जो टूरिस्ट प्लेस है वहां पर आप देखोगे कि ट्रेन लोकल ट्रेन ही चलते हैं, बहुत धीरे चलता है, बहुत धीरे, क्योंकि लोग वहां के वादियों का मजा ले सके। इसलिए तो एक प्रमुख परिवहन के साधन के अतिरिक्त पिछले 150 वर्षों से भी अधिक समय से भारतीय रेल एक महत्वपूर्ण समन्वयक के रूप में भी जानी जाती है। पिछले 150 साल, आज ट्रेन हमारे देश में 150 साल से चल रही है, और 150 साल से भारत के हर लोगों के लिए, हर सामान यात्री के लिए महत्वपूर्ण साधन है, क्योंकि सामान पहुंचाना हो चाहे लोगों को जाना हो, सबसे महत्वपूर्ण साधन होता है ट्रेन। सबसे सस्ता भी है, गाड़ी वगैरह से तो सस्ता ही है। एक हमारे गांव के हैं रंजीत सिंह, तो वो एक बार, उनको, वो मेरे पापा के साथ जा रहे थे दिल्ली, तो बोले ना कि देखिए अभी तो 2000 आपका, 2000 मेरा, 2000 इनका, 6000 रुपया खर्चा हो जा रहा है। ऐसे बनिया कि हम गाड़ी में तेल डला के चले जाते हैं। हमने बोला ठीक है, हम कैंसिल कर देते हैं टिकट, आप लोग जाइए गाड़ी से। तो बोल रहे नहीं नहीं नहीं, अब टिकट कट गया है तो हम लोग ट्रेन से जाएंगे, ये कौन सी बात होगी, तो नहीं बोलना चाहिए ना। देखो गाड़ी से जाते हैं तो करीबन दिल्ली जाने में, बिहार से दिल्ली जा रहे हैं छपरा से, तो करीबन आपको 6000 का तेल लगेगा, 5000 का लगे, और 4000 टोल टैक्स लग जाएगा, तो कितना हो गया टोटल मिलाकर 10000 के करीब में होता है। आप गाड़ी में सामान ले जाते, उससे कोई मतलब नहीं है। भारतीय रेलवे देश की अर्थव्यवस्था, उद्योगों और कृषि के तीव्र गति से विकास के लिए उत्तरदायी है। भारतीय रेलवे भारत के अर्थव्यवस्था के लिए, उद्योगों के बढ़ोतरी के लिए तेज गति से जिस तरह अर्थव्यवस्था आगे चला है, उद्योग आगे चले हैं, उनके विकास के लिए ट्रेन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व निभाया। सबसे ज्यादा कारगर था तो ट्रेन ही था। भारतीय रेल परिवहन देश का सर्वाधिक बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का प्राधिकरण है। देश की पहली रेलगाड़ी 1853 में मुंबई और थाने के मध्य चलाया गया था। मुंबई से थाने के बीच में रेलगाड़ी चलाया गया था 1853 में पहली बार अपने भारत में, जो 34 किलोमीटर की दूरी तय करती थी। कितना? 34 किलोमीटर। आज 34 किलोमीटर कब बीत जाता है पता ही नहीं चलता है। भारत रेल परिवहन को 16 रेल प्रखंडों में पुनः संचालित किया गया है, संकलित किया गया है, बांटा गया है। भारतीय रेलवे को 16 रेल प्रखंडों में बांटा गया है, जिसका मुख्यालय, मतलब 16 मुख्यालय में इसको बांटा गया। जैसे मैं, आप पूरब में चले जाओ, पूरब में कन्याकुमारी, उसके नीचे आओगे तो गुजरात का स्टेशन का नाम मुझे याद नहीं है, मुंबई का छत्रपति शिवाजी टर्मिनल, मुंबई रेलवे स्टेशन। उसके बाद से आप चले आओगे तो कर्नाटक में है, आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु में है, दिल्ली हो गया, एक पटना जंक्शन हो गया, कलकत्ता जंक्शन हो गया, और भी कुछ है, एक लखनऊ जंक्शन है, वाराणसी है, इतरसी हो गया, बस मुझे कुछ ही नाम याद है, ज्यादा नाम याद नहीं है। भोपाल जंक्शन तो उसमें नहीं आता, लेकिन वो भी आ सकते हैं क्योंकि वो भी बड़ा प्लेटफॉर्म है। ज्यादा नाम मुझे नहीं याद है क्योंकि मैं भी उतना गया नहीं हूं कभी, लेकिन जिस दिन मुझे नाम मालूम चलेगा आपको तुरंत एक नया डिटेल्स वाला वीडियो बनाऊंगा, आपको तुरंत इस चैनल पर प्रोवाइड करा दूंगा, तुरंत आपको मिल जाएगा। केवल आप नॉलेज के लिए, समझने के लिए, जानकारी हासिल करने के लिए पढ़ो। मैं नहीं कहता हूं कि एग्जाम के लिए पढ़ना है, एग्जाम तो केवल माध्यम है, ये पढ़ लोगे ना तो एग्जामिनर का हिम्मत नहीं है कि ऐसा क्वेश्चन सेट कर देवे कि जो आपसे नहीं हो। ठीक से आप समझ जाओ और क्वेश्चन समझ जाओ, आप आंसर खुद से खुद लिख लोगे, दिमाग थोड़ा सा चलाओगे लिख लोगे। मैं कहता हूं ना, आप रोज का रोज रीडिंग लगाओ, रोज का रोज रीडिंग लगाओ, आगे बढ़ो। क्रियाकलाप, वर्तमान रेल प्रखंडों और उनके मुख्यालय बनाइए। भारत के मानचित्र पर रेल प्रखंडों के संख्याओं को प्रदर्शित कीजिए। आप एक मैप बनाइए जिसे बताइए कि 16 प्रखंड रेल का कहां कहां है, कौन कौन से राज्य में है। देश में रेल परिवहन के वितरण को
प्रभावित करने वाले सड़कों में भू आकृति आर्थिक और प्रशासकीय कारक प्रमुख है। उत्तरी मैदान अपनी विस्तृत समलता भूमि, सघन जनसंख्या घनत्व, संपन्न कृषि और प्रचुर संसाधनों के कारण रेल परिवहन के विकास और वृद्धि में सहायक रहा है। यहाँ पर दिया जा रहा है, ऊपर से देखो यहाँ पर दिया क्या जा रहा है, देश में रेल परिवहन को बहुत तेजी से आगे बढ़ाने के लिए सबसे अच्छा था जमीन और आर्थिक प्रशासनिक। हम बहुत तेजी से उसको आगे बढ़ाने के लिए सोचे भी, हमें मदद भी मिला किन किन लोगों से, भूमि देने वालों से, साथ देने वालों से, जनसंख्या से, क्योंकि हमारे पास जनसंख्या कम तो है नहीं ट्रेवल करने के लिए, संपन्न कृषि से, वो भी लोग मदद किए, कुछ लोग ट्रैक्टर दे देते थे, कुछ लोग अपना जमीन बेच दिए, प्रचुर संसाधन भी मिलता था उस समय, इसीलिए हमारे रेल परिवहन का विकास बहुत ज्यादा हो गया। यद्यपि असंख्य नदियों के विस्तृत जल मार्गों पर पुलों के निर्माण में कुछ बाधाएं आई है। सबसे ज्यादा कुछ दिक्कत आया है तो नदी पे बनने वाले पुल में, क्योंकि पुल बनाने में थोड़ा बहुत ज्यादा लंबा समय लग जाता है। प्रद्वीपीय भारत में रेल मार्ग, प्रद्वीपीय भारत में रेल मार्ग उबर खाबर पहाड़ी क्षेत्रों, छोटे पहाड़ियों और सुरंगों इत्यादि से होकर गुजरते हैं। आप ट्रेन में बैठोगे तो कभी कभी आपको लगेगा ना बड़े नदी पर जा रहे हैं, पहाड़ी पर जा रहे हैं, कभी कभी सुरंग के अंदर से जाना पड़ता है, तो ऐसा सब चीज आपको देखने को मिलता है। कैसे? क्योंकि उन सबको काट काट कर एक बराबर में ट्रेन को भेजा जाता है। और है हिमालय पर्वतीय क्षेत्रों भी दुर्लभ उचावच, विराल जनसंख्या तथा आर्थिक विकासों की कमी के कारण रेलवे लाइन के निर्माण में प्रतिकूल परिस्थितियां उत्पन्न करता है। हिमालय पर्वतीय क्षेत्र को देख लो तो वहां पर बहुत ज्यादा दुर्लभ उचावच, मतलब बहुत ज्यादा ऊंचाई और ढलाव है, इसके वजह से बहुत ज्यादा दिक्कत होता है वहां पर पटरी बिछाना। और विरल जनसंख्या, और वहां पर जनसंख्या भी उतना है नहीं, सब अलग अलग भटके छिटके हुए हैं। एक गांव में देखो, अपने एक गांव में कितना हजारों लोग मिल जाएंगे, लेकिन वहां पर हजारों लोग नहीं मिलेंगे, सब अलग अलग बटे हुए हैं। आर्थिक अवसरों की कमी है वहां पे, ज्यादा तो है नहीं, आजकल टूरिस्ट प्लेस बना है तो थोड़ा दिक्कत नहीं होता है, तो रेल लाइन निर्माण करना बहुत ज्यादा परिस्थितियां उत्पन्न कर देता है। आप ध्यान से सुनोगे तो मालूम चलेगा कि कहां कहां पर ट्रेन को बिछाना, रेल लाइन बिछाना, पटरियां लगाना कितना कठिन वाला काम है। जैसे में इस प्रकार पश्चिमी राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान में पूरा एकदम रेगिस्तानी इलाका है, कभी भी ज्वार भाटा आ जाता है, इसलिए बहुत दिक्कत है। गुजरात के दलदली भाग, जैसे आप पैर रखोगे गोपसर घुस जाओगे अंदर, इसलिए वहां पर भी दिक्कत है। मध्य प्रदेश के जंगल वाला क्षेत्र, वहां पर कब कौन जानवर हमला कर देवे, इसके लिए वहां से भी ट्रेन को निकालना बहुत दिक्कत वाला बात हो जाता है। ट्रेन की औसत गति 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटा का स्पीड होता है वहां पे। छत्तीसगढ़, ओडिशा और झारखंड में रेल लाइन निर्माण करना बहुत ज्यादा कठिन है, क्योंकि छत्तीसगढ़, ओडिशा और झारखंड पहाड़ी इलाका है, कटावी इलाका है, पठारी इलाका है, तो बहुत दिक्कत होता है काटने वगैरह में। अब सह्याद्री तथा उससे संदिग्ध क्षेत्रों को भी घाट या दर्रों के द्वारा ही पार किए करना पड़ता है, और बाकी जो इलाका है उसको घाट काट दो, नहीं तो दो दरारों के बीच का जगह बनाकर ही वहां से ट्रेन को निकालना पड़ता है। दरारों पर ही पार करना संभव है, वहीं से कर सकते हैं। कुछ वर्ष पहले भारत में मुख्य आर्थिक क्षेत्र में पश्चिमी तट के साथ कोकण रेलवे के विकास ने यात्री और वस्तुओं के आवागमन को सुविधाजनक बनाया है। यद्यपि यहाँ जनसंख्या समस्याएं भी है, वहां पे जनसंख्या समस्याएं भी है, जैसे भूस्खलन तथा किसी किसी भाग में रेलवे ट्रक का धसना। जहां जहां पर हम परिवहन बना रहे थे, जहां पर रेल लाइन हम बिछा रहे थे, जिसकी वजह से होता क्या था, हम जाएंगे तो भूस्खलन हो जाएगा, काटेंगे तो भूस्खलन हो जाएगा। रेलवे ट्रक जो जाता था उस समय, तो रेलवे ट्रक का धस जाना, तुरंत धस जाएगा नीचे, अब धस जाएगा तो ड्राइवर को बचाओगे कि सामान बचाओगे। इसी तरह रिसर्च करते 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 हम लोग सुगम रास्ता बनाने के लिए सक्षम रास्ता ढूंढ लिए।
आज राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में परिवहन के अन्य सभी साधनों की अपेक्षा रेलवे परिवहन प्रमुख हो गया है। हाँ, रेलवे परिवहन प्रमुख हो गया है, लेकिन रोड सबसे महत्वपूर्ण होता है। यद्यपि रेल परिवहन समस्याओं से मुक्त नहीं है, रेल परिवहन जो है यह भी समस्याओं से आजाद नहीं है, मुक्त नहीं है। बहुत से यात्री बिना टिकट यात्रा करते हैं। सही बात है, बहुत सारे यात्री बिना टिकट यात्रा करते हैं। हम भी बिना टिकट यात्रा करते हैं। जैसे मैं समझो, मैंने कब कब किया है मैं बताता हूँ। एक पैसेंजर ट्रेन में एक सीट पर 4 लोगों को बैठने की जरूरत है, उस सीट पर 8 लोग बैठता है तो वहां पर टिकट देने की जरूरत नहीं है। अगर आप स्टूडेंट हो, कहीं भी परीक्षा देने जा रहे हो, तो आपको टिकट लेने की जरूरत नहीं है। आप छात्र हो, कहीं पढ़ रहे हो, आपको अपने गांव जाना है इंटरसिटी से, तो आपको टिकट लेने की कोई जरूरत नहीं है। काहे लेंगे भैया, नहीं लेंगे, सीधा बात है, नहीं प्रवर्ता है, नहीं बचता है पैसा। पढ़ाई में इतना खर्चा हो जा रहा है, तो आप पैसा कहाँ से बचाएंगे, नहीं बचा पाएंगे, इसके वजह से हम नहीं लेंगे। तो हमने अपने घर जाने के लिए, गांव जाने के लिए पैसा नहीं, टिकट नहीं लिया। लेता हूँ कभी कभी, लेता हूँ कभी कभी, नहीं लेता हूँ, लेकिन कभी कभी लिया ना। आज जिस दिन लिया उस दिन बैठने को जगह नहीं मिला, तो मैंने पछताया कि मैंने टिकट लिया क्यों। क्योंकि जहां ट्रेन में बैठने का जगह होता है 150 लोगों का, उस बोगी में लोग बैठेगा कितना, 400 लोग बैठेगा, तो दिक्कत होगा कि नहीं होगा। और एक बार मैं पटना से आ रहा था तो ट्रेन खुलने ही वाली थी, 1 मिनट देर था। तब बताओ हम 1 मिनट में ट्रेन पकड़ेंगे कि हम टिकट कटवाने जाएंगे। और ऐसे हम माइग्रेशन के काम के लिए गए थे, स्कूल से माइग्रेशन मिलता है ना, तो स्कूल वाले हमारे नहीं लाए थे, इसलिए पटना सीबीएसई बोर्ड में जाकर वहां से माइग्रेशन लेकर हम लोग आ रहे थे। तो टीटी पकड़ा, हमने बोला भैया मेरे पास टिकट नहीं है, आप समझो हम नहीं देंगे पैसा। तो उसने बोला क्या, टीटी बोला क्या कि आप एक ही टिकट करवा लो, एक ही टिकट पर चले जाओ। अरे तेरी के धांधली, मेरे साथ धांधली कर रहे तू, मेरे साथ अब एक भी टिकट नहीं कटवाएंगे, कटवा के दिखा ले चल। तो वहां पर टिकट नहीं कटवाए क्योंकि हम एक स्टूडेंट के नाते अपना कार्य करने के लिए गए थे इसलिए। दूसरा बार भी माइग्रेशन एक दोस्त का लाने गए थे, तो उस समय भी ट्रेन खुलने ही वाली थी। अब बताओ ट्रेन खुलने वाली है, हम टिकट लेंगे कि ट्रेन पकड़ेंगे। सबसे जरूरत है ट्रेन पकड़ो, अपने जगह पर आओ। 50 किलोमीटर के लिए कौन टिकट कटवाता है, और खास करके इमरजेंसी में आदमी हो तो। इसी तरह मैंने 2-3 सेक्टर में टिकट नहीं कटवाया है। जब बिना टिकट लोग चढ़ते हैं, जिसके वजह से रेलवे में थोड़ी उनकी हानि हो जाती है, संपत्ति की हानि हो जाती है, और चोरी का समस्या तो भैया अलग है, वो समाप्त नहीं हुआ है। आज भी बहुत लोग ट्रेन में चोरी करने के लिए ही जाते हैं, लेकिन आज ट्रेन में इतना ज्यादा वेल्डिंग कर देता है कि चोरी करना आसान नहीं होता है। जंजीर खींच कर यात्री कहीं भी अचानक रूप से, अनावश्यक रूप से गाड़ी रोक सकते हैं, चाहे रोक देते हैं। यहाँ पर लिखा जा रहा है कि चैन पुलिंग करके गाड़ी को कहीं भी, जहां जगह नहीं है, जहां पर जरूरत नहीं है, वहां पर भी लोग रोकते हैं, जिससे रेलवे को भारी हानि उठानी पड़ती है। क्योंकि एक बार वैक्यूम होता है तो प्रेशर पे बहुत ज्यादा प्रेशर आता है, ब्रेक प्रेशर पे बहुत ज्यादा उनको प्रेशर आता है, इंजन पे भी वही हाल है। जरा सोचिए हम अपनी रेलगाड़ियों को निर्धारित समय पर चलने में कैसे मदद कर सकते हैं, हम अपने रेलगाड़ी को सही समय पर कैसे चला सकते हैं इसके बारे में। अब आगे का हम पढ़ेंगे पाइपलाइन। भारत के परिवहन मानचित्र पर पाइपलाइन भी एक नया परिवहन का साधन बन चुका है, क्योंकि हम लोग पाइपलाइन का इस्तेमाल बहुत सारे कामों में कर रहे हैं। पहले पाइपलाइन का इस्तेमाल हम केवल शहरों और उद्योगों में पानी पहुंचाने के लिए किया करते थे, केवल पानी पहुंचाने के लिए। आज इसका प्रयोग कच्चा तेल, पेट्रोल उत्पाद तथा तेल से प्राप्त प्राकृतिक तथा गैस क्षेत्रों से उपलब्ध गैस, शोधनशालाओं, उर्वरक कारखाना और बड़े ताप विद्युत गृह तक पहुंचाने में किया जाता है। आज बड़े बड़े कंपनियों में पाइप के माध्यम से तेल, पेट्रोलियम, कच्चा माल और गैस सब पहुंचाने का काम किया जाता है। आज LPG घर घर में आ रहा है पाइपलाइन के माध्यम से। ठोस पदार्थों को तरल अवस्था, मतलब उसको पानी जैसा बनाकर, उसको परिवर्तित कर, पानी जैसा बदल कर पाइपलाइन द्वारा ले जाया जाता है। पाइपलाइन में उसको डालकर एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा दिए जाते हैं।
सुदूर आंतरिक भागों में स्थित शोधनशालाओं जैसे बरौनी, मथुरा, पानीपत तथा गैस पर आधारित उर्वरक कारखानों की स्थापना पाइपलाइन के जाल के कारण ही संभव हो पाया है। क्योंकि पाइपलाइन नहीं रहता तो हम बहुत सारे सामानों को सस्ता दाम पर नहीं पहुंचा सकते थे। पाइपलाइन बिछाने की प्रारंभिक लागत अधिक है। एक बार पाइप लगा दिए तो उसका खर्चा ज्यादा आता है, लेकिन इनको चलाने की लागत न्यूनतम है, मतलब बहुत कम हो जाता है। वाहन अंतरण देरी तथा हानियां इसमें लगभग नहीं है। वाहन अंतरण देरी, जिस तरह गाड़ी को एक जगह से दूसरे जगह जाने में समय लगता है, वैसा तो इसमें है ही नहीं। एक जगह डाले 2 घंटा के बाद उधर पूरा पेट्रोल पहुंच जाएगा, इतना तेजी से जाता है। तो यही दे रहा है, वाहन की जितना देरी नहीं लगेगा और इसमें हानि वाला कोई मतलब इसमें कुछ होता ही नहीं है। हानियां इसमें लगभग नहीं के बराबर है। कहीं पाइपलाइन फूटेगा नहीं, कोई चोरी करेगा नहीं, और बाकी भी आग वगैरह लगने का, फटने वगैरह का टेंशन ही नहीं, आदमी मरने का टेंशन ही नहीं है। देश में पाइपलाइन परिवहन के 3 प्रमुख जाल है। कौन सा? उत्तरी असम के तेल क्षेत्रों से, उत्तरी असम में जो तेल क्षेत्र है वहां से गुवाहाटी, बरौनी और इलाहाबाद के रास्ते कानपुर उत्तर प्रदेश तक जो पाइपलाइन आया है, इसका एक शाखा बरौनी से राजबंद होकर हल्दिया तक है और दूसरी राजबंद से मैरीग्राम तक, दूसरी है मैरीग्राम और तीसरा है गुवाहाटी से सिलीगुड़ी तक। आसानी से तेल चला जाता है जमीन के नीचे नीचे, चाहे जमीन के ऊपर ही क्यों ना हो। आगे आता है गुजरात में सलाया से बीरम गांव मथुरा, दिल्ली और सोनीपत के रास्ते पंजाब में जलंधर तक जाता है जो पाइपलाइन। इसकी अन्य शाखा बड़ोदरा के निकट कोयली को चक्षु और अन्य स्थानों से जोड़ती है। यहाँ पर देखो आप पाइपलाइन कैसे, पाइपलाइन कहाँ से कहाँ जुड़ा है, यहाँ पर बता नहीं रहा है कौन पाइपलाइन कहाँ पर है, लेकिन पाइपलाइन यहाँ से देख सकते हैं। ये पूरे विश्व को पाइपलाइन से जोड़ा ही गया है, लेकिन अपने देश के बारे में बताया जा रहा है। देखो किस तरह अपने देश को पाइपलाइन के माध्यम से जोड़ दिया गया है। तो कितना आसानी से पूरा एक जगह से दूसरे जगह माल आसानी से पहुंच सकता है। आज नेटवर्किंग का जाल लोगे तो अभी घर घर में पहुंच चुका है। गैस पाइपलाइन गुजरात में हजीरा को उत्तर प्रदेश में, यहाँ पर दे रहा है गैस पाइपलाइन गुजरात में हजीरा को उत्तर प्रदेश में जगदीशपुर से मिलाती है, और उत्तर प्रदेश में जो जगदीशपुर है वहां पर मिलाती है। यह मध्य प्रदेश के विजयपुर के रास्ते होकर जाती है और इसकी शाखाएं राजस्थान, कोटा तथा उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर, बबरला और अन्य स्थानों पर इसकी शाखाएं हैं, और यहां से फिर जाकर बाद में जगदीशपुर तक उसको पहुंचा दिया जाता है। अगले भाग में हम पढ़ेंगे जल परिवहन। क्या चीज? जल परिवहन। ठीक है, इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और आज का चैप्टर आपको कैसा लग रहा है ये बताओ, अच्छा लगा कि नहीं लगा? लगा अच्छा तो क्यों लगा, खराब लगा तो क्यों लगा? अगर जो भी आपको डाउट है, सलाह देना है, तो आप बेझिझक कमेंट कर सकते हैं, अन्यथा आप मैसेज करके भी हमें बता सकते हैं, इंद्रजीत स्टडी पॉइंट @gmail.com पे। ठीक है, धन्यवाद।